यासिर, इनका इंटरव्यू करने में बहुत मुश्किल हुई एक फ्लां सर्टन, ये यासिर को बताना कि निदा को अच्छा। इसका इंटरव्यू करने में बहुत मुश्किल हुई। ऑप्शन देंगे आप या खुद ही बताएं? नहीं, खुद ही बताऊंगा ना, छोड़ दूं। नहीं, अरे भाई आपने बताया मैंने क्या लगा। हाँ, आप ही बताएं ना। तो अब तो उसकी बारी नहीं है। नहीं, आपकी बारी है। ये हमने बारी का हम बारी जिसको मर्जी दे, हमारी मर्जी है। अच्छा, तुम किंग हो आके किसका इंटरव्यू कर रहे हैं? मुश्किल है निदा को, ये मुझे निदा को मुश्किल है। निदा को ना रोज करती ना। अच्छा, एक सवाल मैं सोचा था, नहीं उसका नाम लूं, ले लूं नाम, वो मुझे क्या पता किसका। अलीज़े शाह। अच्छा, इंटरव्यू करना मुश्किल हुई? मैंने क्या कहा भाई, मैं पाव रख दूं पाव। नहीं भाई यार। अच्छा, अगला सवाल निदा से, ये सवाल है। नहीं, हाँ। यासिर को किस एक्टर से काम करवाने में या करने में मुश्किल होती है या हुई? अच्छा, अगर मैं एज एन एक्टर, अगर मैं यासिर हूँ और एज एन एक्टर हूँ, तो मुझे जैसे अलीज़े के साथ थोड़ी सी काम करने में मुश्किल हुई थी। अलीज़े शाह के साथ थोड़ी सी इतनी केमिस्ट्री बिल्ट नहीं हुई थी, बाकी सबके साथ तो बहुत यासिर की अच्छी बिल्ट हो जाती है। लेकिन एज एन डायरेक्टर जो है, यासिर को आज तक नहीं किसी ने तंग किया सच। कभी मुझे यासिर ने नहीं बताया कि एज एन डायरेक्टर हो गया था एक्टिंग में। क्यों? रीजन बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन मुझे नहीं बताया। मैं बड़ा पछताया कि मैंने क्यों काम किया, इस हद तक चला गया था मैं। मुझे कुछ मसला ये ना कि आप जब ड्रामा करते हैं ना, तो आप ड्रामे में आप कैरेक्टर में हैं, ठीक है, तो आपकी पर्सनल लाइफ और कैरेक्टर अलग चीज़ें अलग चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं उसमें बहुत डिस्टर्ब हो गया था। मुझे बाद में बोला गया कि इसीलिए ड्रामा अच्छा जा रहा है, इसके हम कुछ एपिसोड बढ़ा देते हैं। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा भाई अगर कम कर सकते तो बात कर लो, मैं बढ़ाऊँगा नहीं। पैसे आने के बावजूद भी आपने कहा था भाई कम कर दो। भाई मैं कहता हूँ मैं पैसे दे दूंगा। मैंने बहुत कम किए हैं, तो जब करता हूँ तो स्क्रिप्ट चेक करता हूँ, कैरेक्टर देखता हूँ, बड़ा छानबीन करता हूँ। लेकिन ये है कि जिसके साथ आप काम कर रहे हैं ना, उसको भी देखना पड़ता है कि जिसके साथ आप सेट पे अगर एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप नीलम काम पे रोज जा रहे हैं। नीलम के साथ काम किया, बिल्कुल कितना कंफर्टेबल। हां, क्या वो एक्टिंग में हो चाहे डायरेक्शन में, दिल मोम का दिया इज वन ऑफ माय फेवरेट प्ले। दिल मोम का दिया था, बिखरे मोती मैंने किया था उसका, सिर्फ रॉन्ग नंबर 1 2 2। और अभी ये फिल्म चक्कर, ये फिल्म चक्कर। इंसान का अच्छा होना भी जरूरी है। जरूरी है, बिल्कुल सही। कोई देर पाए, देर तक चलता है। आर्टिस्ट के साथ इंसान भी अच्छा होना जरूरी है।